तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़हीर हसन है और मेरे चैनल का नाम ज़हीर हसन वीलॉग है। और ये वीडियो मैं भाई सरफराज अमन वीलॉग के चैनल के लिए बना रहा हूँ। तो भाई बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। यार यहाँ पर हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जब हमारे सब्सक्राइबर कम होते हैं, जब सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तब तो हज़ार लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखा करें, कमेंट किया करें और थैंक यू सो मच, आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं दिल तबारक तआला के करम और शुक्र के साथ बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जैसे ज़हीर भाई ने आपको बताया कि दरिया चनाब में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, तो आइए दरिया सिंध में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। तो आइए चलते हैं, दरिया सिंध से एक किनाल बहता है तो वहाँ वो दिखाते हैं आपको यहाँ की सूरत हाल क्या है। तो इस वक्त में दरिया सिंध से एक किनाल निकलता है जिसका नाम है रोड़ी किनाल। तो वहाँ पर आया हूँ, वो अपने पीछे देख सकते हैं, आपको भी इसके मनाज़र दिखाते हैं कि कितना पानी है और कुछ लोग जो हैं फ़िशिंग कर रहे हैं। तो आइए आपको नज़ारा करवाते हैं। यहाँ से मैंने उतरना है नीचे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हैं फ़िशिंग भी कर रहे हैं। पानी बिल्कुल नीचे उतरा हुआ है। वैसे वो जो पुल के किनारे हैं वहाँ तक भरा हुआ होता है पानी, अभी सैलाब की वजह से पानी कम छोड़ा हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग जो हैं फिशिंग भी कर रहे हैं। लगता है कोई चीज़ फंसी हुई है कांटों में, तो अभी देखें। नहीं, ये चारा डाला हुआ था तो कोई चीज़ थी जो। ये पुल के नीचे के कुछ मनाजर हैं, तो यहाँ से बिल्कुल शांति है। तो आपको आइए पुल के ऊपर से भी कुछ नज़ारा दिखाते हैं कि वहाँ से कैसा नज़ारा है। कुछ मनाजर जो मैंने आपके साथ शेयर किए, तो यहाँ पे पानी बिल्कुल बंद किया हुआ है क्योंकि सैलाब की सूरत हाल है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी हमारी वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।